नमस्कार मैं हूं आपके साथ सपना दानू स्वागत है आपका हमारी चैनल स्पोर्ट्स आर्ट पर मेरे साथ मौजूद हैं अभिषेक त्यागी जी पूर्व दिग्गज का आया फरमान भारत ना आए पाकिस्तान जी हाँ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी इस बार पाकिस्तान के पास है और कहीं ना कहीं यह तय माना जा रहा है कि भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी को जिसके लिए जो है काफी विवाद भी खड़े हो रहे हैं अलग अलग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है लेकिन अब हद तो ये पार हो गई कि पाकिस्तान से ही यह फरमान आया है कि भारत को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए सिर्फ इतना ही नहीं सुरक्षा के लिहाज से भी बड़े-बड़े सवाल उठाए गए हैं आखिर क्या कुछ आ, कहा है उस दिग्गज खिलाड़ी ने आपको बताते हैं अभिषेक जी देखिए बिल्कुल दानिश कनेरिया वैसे हिंदू मुस्लिम है मैं अगर तो पाकिस्तान <laughs> के और भारतीय टीम के पक्ष में बड़ी बातें <laughs> करते हैं लेकिन अब और पाकिस्तान की पोल खोलते रहते हैं अक्सर मैंने दानिश कनेरिया को देखा है कि पाकिस्तान टीम की उनकी कमियों को हमेशा दानिश कनेरिया बताते रहते हैं अब जब चैंपियंस ट्रॉफी का मुद्दा चल रहा है सपना यहाँ पर तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले यह मामला है कि भाई साहब भारत को पाकिस्तान जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए सुरक्षा की बातें लगातार होती है अब दानिश कनेरिया ने पोल खोल दिया है दानिश कनेरिया के बहुत बड़े बयान आए हैं दो बयान में आप लोगों को दिखाऊंगा दानिश कनेरिया के उसके बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि वास्तव में दानिश कनेरिया ने साफ तौर पर कह दिया है कि भैया टीम इंडिया वालों, <laughs> पाकिस्तान बताओ <हो, laughs> यहाँ पर खतरा है यहां <laughs> पर मामला गड़बड़ है पहले के बयान देख लीजिए इससे पता चल जाएगा। ने कहा कि पाकिस्तान को इस बारे में सोचना चाहिए फिर आईसीसी तय करेगा और ज्यादातर यह हाइब्रिड मॉडल होगा दुबई में खेला जाएगा कनेरिया ने कहा कि खिलाड़ियों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए इज्जत दूसरी प्राथमिकता है, है सुरक्षा पहली है बहुत सारी चीजें हैं मुझे लगता है कि बीसीसीआई शानदार काम कर रही है मुझे लगता है कि सभी देश आखिरी फैसला मानेंगे अब इसमें दो चीज समझिएगा सपना सबसे पहली तो दानिश ने कहा कि सुरक्षा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए मतलब उनको भी डर है कि पाकिस्तान में अगर टीम इंडिया जाएगी तो मामला गड़बड़ देखिए सुरक्षा के लिहाज से ही जो है भारत पाकिस्तान नहीं जाता है अक्सर कहा जाता है कि पाकिस्तान से ये चीजें सामने निकल कर आती है कि भारत तो राजनीति करता है खेल के मामले में लेकिन अगर देखा जाए सही मायनों में तो सुरक्षा के लिहाज से ही जो है भारत अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान नहीं भेजता है और अब जब पाकिस्तान ही सोच सकता है कि वो अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान भेजे वो भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए और देखिए बहुत लंबे वक्त से भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज नहीं हुए हैं आईसीसी टूर्नामेंट में ही दोनों टीमें

कहां पे किस वेन्यू पे जो है बाद में एशिया कप खेलना पड़ा पाकिस्तान को ये हर कोई जानता है और इस बार भी ऐसा ही ही कुछ होने वाला है है एशिया कप की तरह चैंपियंस ट्रॉफी को भी हाइब्रिड मॉडल पे जो है, खेला जाना चाहिए और खेला भी जाएगा न्यूट्रल वेन्यू पे और जो दानिश कनेरिया ने कहा है ये वास्तव में सोचने वाली बात है कि अगर आपका ही खिलाड़ी आपके ही देश का पूर्व खिलाड़ी ये सारी चीजें बोलता है तो बीसीसीआई क्यों ना उस उसपे सोचे बिल्कुल 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 बीसीसीआई क्यों ना सोचे तो जाहिर तौर पर

जाना चाहिए कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे थैंक यू वेरी मच